लोगों के जीवन का ना कुछ मोल रहा, आबो हवा में नफरत हर कोई घोल रहा। जलता है अपने घर का हर एक कोना क्यों, मुखिया है खामोश नहीं क्यों कुछ बोल रहा। जलकर राख हुए घर, लगा कर्फ्यू, बरसी गोलियां, दरिंदगी की सारी हदें हुई पार, इंसानियत का एक छोटा अंश भी नहीं बचा। दया या रहम तो मानो जिंदा ही जलकर खत्म हो गई, मानो आग में पानी की जगह रोज घी डाला जा रहा है। आज बात होगी मणिपुर के हालातों से जूझ रहा भारत का भविष्य, मतलब वहां के युवाओं के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि सुलगती आग के बीच मणिपुर में युवाओं को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द नगरी न्यूज में। मैं सिद्दिका मनोहर सोनी आपके साथ। मणिपुर करीब 3 महीने से आग से झुलस रहा है, वहीं झुलसती आग के बीच वहां के स्कूल और कॉलेज भी आग के साथ झुलस रहे हैं। अब आप सोचिए कि वहां के हालातों से जूझ रहा भारत का भविष्य, वहां का युवा क्या महसूस कर रहा होगा जिसे राहत शिविर में रहकर जीना पड़ रहा है और साथ ही यूनिवर्सिटी एग्जाम भी देने पड़ रहे हैं। वहां के हालातों ने हर आम खास व्यक्ति के जीवन पर विपरीत असर डाला है, लेकिन हिंसा प्रभावित मणिपुर के हालातों के असर से वहां का छात्र समुदाय भी अछूता नहीं रहा है। इस संकट के बीच एक कम्युनिटी के तौर पर मणिपुर के छात्रों को कई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ चल रहे इंटरनेट प्रतिबंध, कर्फ्यू और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण युवा छात्रों को काफी मानसिक आघात पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक वहां के राहत शिविर में रहने वाले छात्र शीतलजीत और छात्रा मोनिका ने बताया कि यह हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है। हमारे घर जलकर राख हो चुके हैं, 10 मई से हम अपने माता पिता के साथ यहाँ एक राहत शिविर में रह रहे हैं। ऐसे में हम परीक्षा पर ध्यान कैसे केंद्रित करें और पढ़ाई जारी रखने के लिए हमारे पास यहाँ कोई कॉपी किताब नहीं है, ना ही कोई इंटरनेट है। बातचीत के लिए कोई लोग नहीं है हमारे पास। इस हिंसा की वजह से हम हमारे कुछ सेमेस्टर्स दे पाए हैं और कुछ नहीं दे पाए, क्योंकि कर्फ्यू और गोलीबारी से हमारे मानसिक आघात पर बहुत असर पड़ा है। हमें उम्मीद है कि स्कूल और कॉलेज फिर से खुले जिससे हम हमारी शिक्षा जारी रख सके और हमारी परीक्षा भी समय पर दे सके। वही पहाड़ी इलाकों से आने वाले छात्रों को भी इन सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि हिंसा से झुलस रहे मणिपुर में जल्द ही हालात सामान्य हो, हजारों लोग जो बेघर हुए हैं उन्हें अपना घर वापस मिले, स्कूल और कॉलेज फिर से खुले जिससे वहां के छात्र अपने शैक्षणिक संस्थानों में वापस जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। महिलाओं के साथ जो बर्बरतापूर्ण घटना हुई है, उस घटना पर संज्ञान लेते हुए महिलाओं की सुरक्षा के समर्थन में जल्द से जल्द और कड़े से कड़े कानून बनाए जाए जिससे फिर से हमारे हिंदुस्तान को नग्न ना होना पड़े, जिससे फिर से हिंदुस्तान में रूह कपा देने वाली स्थिति कभी पैदा ना हो और वहां जो दो जातियों के बीच टकराव चल रहा है वो टकराव भी जल्द से जल्द खत्म हो। आगे की खबर हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा। जहां कहीं भी सुधार की गुंजाइश हो जरूर लिखिएगा। देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।